हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डिंपल और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस परेशानी की बात कर रहे हैं, ये परेशानी वैसे तो सभी को नहीं होती है, लेकिन अगर 10 व्यक्ति में से काउंट किया जाए तो 2 व्यक्ति को ये परेशानी होती है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये परेशानी होगी उसका तो जीना ही दुश्वार हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एलर्जी की, सभी तरह की एलर्जी। अब जिन लोगों को एलर्जी नहीं होगी वो इस परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी होगी, चाहे वो जिस भी चीज़ की एलर्जी हो, जब एलर्जी अगर किसी व्यक्ति को होगी तो उसका जीना किस तरह से दुश्वार हो सकता है, ये बहुत अच्छे से समझा सकता है आपको वही व्यक्ति जिसकी ये परेशानी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एलर्जी के विषय में बात करने वाले हैं, तो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरह की परेशानी के लिए बात करूं तो सबसे पहले है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो व्यक्ति की जन्म से लेकर तो मृत्यु तक व्यक्ति जो है वो बहुत सारी तरह की समस्याओं से घिरा रहता है। हमेशा वो किसी ना किसी समस्या से लड़ते रहता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई समस्या नहीं होगी। तो जीवन से लेकर मृत्यु तक सारी परेशानियों को हम लड़त देते रहते हैं, लेकिन एक परेशानी ऐसी होती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो कभी कभी हार जाता है, और ये परेशानी है शारीरिक परेशानी। अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक परेशानी होती है या फिर कोई ऐसी समस्या होती है जो पूरी जिंदगी उसका पीछा ही ना छोड़े, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आप सभी तरह की दुनिया की समस्याओं से लड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉब्लम की बात आती है वहाँ पर इंसान जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी परेशानियाँ जो कभी इंसान का साथ छोड़ती ही नहीं है, यानी कि जन्म से शुरू होती है तो वो मरने के बाद उसी के साथ जाती है। तो इस तरह की अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए मैं बात करूँगी एलर्जी। एलर्जी एक ऐसी परेशानी है कि आपकी जन्म के साथ आती है, वो बाहर से आपको नहीं लगती है। एलर्जी अगर किसी चीज़ की आपको होती है तो पैदाइशी होती है। आप अगर एलर्जी की परेशानी लेकर पैदा हुए हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ के लिए एक एक चीज़ की गांठ आपको मन में बांध लेनी है कि एलर्जी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम सावधानियाँ रख सकते हैं, हम मेडिसिन ले सकते हैं, हम उस चीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ बेकाबू हो गई तो वो आपको निगल लेगी। तो उसे कभी भी आपको जो है इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एज अ फ्रेंड मैं आपको ये समझ सकती हूँ कि जिन लोगों को एलर्जी की परेशानी होती है उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आज का ये वीडियो जो है हमारा एलर्जी के सब्जेक्ट पर है, लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि एलर्जी एक ऐसी परेशानी है जो जड़ से खत्म कभी नहीं होती है। यानी कि अगर मैं एलोपैथी मेडिसिन को साइड में रखूं, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन से तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन है जो परेशानियों को जड़ से खत्म करती है। तो फिर भी एलर्जी एक ऐसी परेशानी है जिसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी भी आपको कंट्रोल में रख सकती है, आपकी परेशानी को कंट्रोल में रख सकती है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें जो है आपकी ये परेशानी जो है लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने ही वाली है, लेकिन अगर आप इसके लिए एलोपैथी मेडिसिन का उपयोग करेंगे तो आगे जाकर जो है आपको इसके दुष्परिणाम देखने मिलेंगे। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन को अगर आप उपयोग में करेंगे या फिर आयुर्वेद को करेंगे तो ये मेडिसिन चाहे आप पूरी लाइफ लेते रहें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस किस तरह की परेशानियां होती हैं, किस किस तरह की ये सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस किस तरह की परेशानी
व्यक्तियों को होती है। तो सबसे पहले मैंने जिस जिस तरह की एलर्जी को नोटिस किया है आज तक, तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ जिन जिन लोगों को एलर्जी की परेशानी होती है, वहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों को दूध की एलर्जी होती है। किसी भी तरह के ज़्यादा मीठा अगर वो व्यक्ति खा ले तो उसकी एलर्जी होती है। फूल की एलर्जी होती है, फूलों के परागकण की एलर्जी होती है। स्ट्रॉन्ग अगर खुशबू आ जाए तो उसकी एलर्जी होती है। परफ्यूम की एलर्जी होती है, इत्र की एलर्जी होती है, स्किन की एलर्जी होती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्जिमा की परेशानी है तो एक्जिमा भी एलर्जी का ही एक प्रकार है। तो एक्जिमा अगर किसी को है तो उसमें किस तरह से परेशानी होती है, तो शरीर पर जो है छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, लाल कलर के दाने आते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होती है। कंटिन्यूस खुजली करने की वजह से जो है स्किन की चमड़ी जो है वो खुरदरी हो जाती है, या फिर उसकी पपड़ियाँ निकल आती हैं। बहुत ज़्यादा खुजाने पर उस जगह पर जलन भी होने लगती है। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को एलर्जी की परेशानी है, चाहे वो किसी भी भोजन की वजह से हो, कुछ भी खाने पीने की वजह से हो, या किसी भी तरह की स्मेल की परेशानी, या स्किन की परेशानी, या एक्जिमा, इस तरह की अगर कोई भी एलर्जी की परेशानी है, तो वो सबसे ज़्यादा किस विषय पर ज़्यादा परेशान करती है? तो हमारी सांस से संबंधित परेशानी पर ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यानी कि जिन भी लोगों को एलर्जी होगी उसे हमेशा सांस लेने में परेशानी होगी। और अगर इस एलर्जी की वजह से उसे, जैसे अगर किसी व्यक्ति को दूध की एलर्जी है और अगर उसे दूध पिलाया जाए या चाय पिलाई जाए या फिर दूध से बनी कोई भी चीज़ खिलाई जाए, तो तुरंत जो है उस व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को स्मेल की परेशानी है, यानी कि परफ्यूम है, इत्र है, या फिर फूल की खुशबू है, या फिर अलग किसी भी चीज़ की खुशबू की अगर परेशानी है, या फिर किसी भी तरह की गंध की परेशानी है, तो वो व्यक्ति को अगर इस तरह की कोई खुशबू आ गई तो उसे जो है तुरंत सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको अगर भोजन से कोई परेशानी है या फिर किसी भी चीज़ से परेशानी है, तो आपको जो है वो सांस की सबसे पहली समस्या शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये एलर्जी जो है वो हमारी नाक के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, इसी पर सबसे ज़्यादा वो प्रभाव डालती है। क्योंकि हमारी सांस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ या 2 मिनट तक कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद सांस जो है वो कभी बंद नहीं हो सकती। तो ये परेशानी हमेशा, एलर्जी हमेशा सांस से रिलेटेड होती है। यानी कि अगर आपको एलर्जी की परेशानी है तो आपको सांस की परेशानी होगी ही होगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपको इस तरह की कोई भी एलर्जी है, चाहे जिस भी चीज़ की वजह से आपको एलर्जी है, तो अगर आप उस चीज़ से परहेज नहीं करते हैं, या फिर आपके आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें अगर आप ये चीज़ नहीं समझाते हैं कि आपको जो भी परेशानी है उस चीज़ से आपको दूर रखा जाए, तो वो ये चीज़ अगर कंटिन्यूस होती रही आपके साथ, अगर दूध की एलर्जी है या फिर किसी भी तरह के भोजन की एलर्जी है, और बार बार आपके भोजन में वो चीज़ आ जाती है, तो ये चीज़ें जो है एक वक्त के बाद आपको सांस की इस हद तक परेशानी हो जाएगी कि आपको अस्थमा हो जाएगा। यानी कि जिन लोगों को एलर्जी होगी, अगर वो पूरी ज़िंदगी परहेज नहीं करेंगे, तकेदारियाँ नहीं रखेंगे, तो वो व्यक्ति को अस्थमा होने की 90% गारंटी होती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यूस इस तरह की सांस की परेशानी होती रहती है, किसी भी तरह के परागकण हो गए, फूल हो गए, किसी भी तरह की अगर स्मेल से रिलेटेड या फिर भोजन से रिलेटेड या फिर एक्जिमा या किसी भी तरह की अगर एलर्जी है, अगर वो ध्यान नहीं रख रहा है, अगर उसको बार बार वो चीज़ें होती रहती हैं, तो यहाँ पर उसके फेफड़े जो है वो संक्रमित हो सकते हैं। यानी कि ये सांस की जो परेशानी, ये चीज़ जो है वो उसके सांस में जाएगी और इसकी वजह से उसके लंग्स जो है वो इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर आपके लंग्स संक्रमित हो गए तो यहाँ पर आपको बुखार आने की परेशानी होगी और साथ ही साथ आपको अस्थमा की परेशानी शुरू हो जाएगी। और अगर एक बार किसी व्यक्ति को अस्थमा की परेशानी शुरू हो जाए, तो ये चीज़ आपके बॉडी से कभी नहीं जाएगी। आपको हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अस्थमा हो जाने के बाद बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि अस्थमा होने के बाद कोई भी व्यक्ति एक्टिविटी करने में लिमिटेड हो जाता है। यानी कि आप
किसी भी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अस्थमा होने के बाद अस्थमा का अटैक आने की बहुत संभावनाएं होती हैं। उसे हमेशा अपना अस्थमा पंप वगैरह अपने पास रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी ब्रीथिंग कंट्रोल में आती है। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एलर्जी कभी भी अस्थमा का रूप ना ले ले, क्योंकि अगर अस्थमा का रूप ले लिया तो फिर इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पूरी ज़िंदगी आपको, जैसे हम एक छोटे बच्चे को संभालते हैं, उसी तरह से आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आप ना ज़्यादा दौड़ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना टेंशन ले पाएंगे, कुछ भी आप ज़्यादा 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 नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी जैसी परेशानी अगर किसी व्यक्ति को होती है, तो उसे जो है शुरुआती तौर से जानने के बाद बहुत तकेदारी रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की परेशानी है तो उस व्यक्ति को अस्थमा होगा ही होगा, लेकिन जैसे अगर किसी व्यक्ति को दूध की एलर्जी है या फिर किसी भी तरह के भोजन की एलर्जी है, तो उसे तकेदारी क्या रखनी चाहिए कि उसे हमेशा पूरी ज़िंदगी उसे जो है उस चीज़ से दूर रहना चाहिए। अगर दूध की परेशानी है या फिर किसी तरह के मरी मसाले की परेशानी है या फिर कोई स्मेल वगैरह की परेशानी है, तो उसे उस चीज़ से हमेशा दूर रहना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर दूध की परेशानी है तो दूध या दूध से बनी कोई भी बनावट से हमेशा हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह की लालच में नहीं आना चाहिए, या किसी भी तरह की जो होती है हमें इच्छाएं होती है, जो मिठाई वगैरह बनती है तो हमें बहुत इच्छा होती है अगर फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो, लेकिन इस तरह की इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए और कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर आपको एलर्जी की परेशानी है तो। एलर्जी की परेशानी में अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की परेशानी होती है, जैसे मैं सिम्टम्स की बात करूं, तो काफ़ी लोगों को जब इस तरह की एलर्जी, जिस भी चीज़ की वजह से एलर्जी होती है, तो वहाँ पर जब ये स्मेल आती है, अगर आपने सपोज दूध से है आपको, या फिर किसी मरे मसाले हैं से, जो आपने वो चीज़ खा ली, तो आपको सांस लेने में उस वक्त परेशानी होने लगती है। साथ ही साथ कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कुछ लोगों को वॉमिट हो जाती है, कुछ लोगों का दम घुटने लगता है, तो इस तरह की परेशानियां फटाक से होने लगती हैं। एक्जिमा जैसी परेशानी होगी तो उसे तुरंत जो है स्किन के ऊपर दाने आ जाएंगे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई भी स्मेल वगैरह की परेशानी होगी, तो भी अगर उस व्यक्ति को स्मेल आ गई या उसने इस तरह का कोई भोजन खा लिया, तो उसके बॉडी में जो है तुरंत दाने, किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में फटाक से जो है दाने निकल आएंगे। किसी भी तरह की अगर फूल की एलर्जी है, वो फूल अगर वो व्यक्ति सूंघ लेता है तो भी उसे परेशानी हो जाती है। किसी भी तरह की कोई बदबू, किसी भी तरह के गंध की परेशानी है या फिर परागकण की परेशानी है, तो वो जो है चीज़ जैसे ही उसके करीब आएगी, उस व्यक्ति के बॉडी पर जो है दाने निकल आएंगे, लाल दाने निकल आएंगे, उसे एकदम से खुजली शुरू हो जाएगी, और ऐसी खुजली शुरू होगी कि वो बंद ही नहीं होगी 2-3 घंटे तक। तो ये परेशानी आपको लगातार ना होती रहे, इसके लिए आपको हमेशा उस चीज़ से दूर रहना है जिसकी आपको परेशानी है। बाकी होम्योपैथी मेडिसिन या फिर आयुर्वेद की मेडिसिन में भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो एलर्जी की परेशानी को जड़ से खत्म कर सके। हाँ, परहेज के तौर पर आप कुछ मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज तक एलर्जी के लिए कोई भी परफेक्ट मेडिसिन नहीं मिली है। मेरे बहुत सारे रिसर्च में भी मैंने आज तक इस तरह की परेशानियों पर, एलर्जी से रिलेटेड परेशानियों पर मैंने कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं देखी है जो एलर्जी की परेशानियों को जड़ से खत्म कर सके। तो इसके लिए मैं आज के इस वीडियो में कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको इस विषय में थोड़ा सा जागरूक कर रही हूँ कि तकेदारी और आपकी सावधानियों के अलावा आपको इस परेशानी से कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो जिस भी परेशानी से आपको परेशानी है, उस परेशानी से दूर रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कितनी लाभप्रद हुई है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर और भी कोई नए विषय पर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ।